अल्लाह इम्तिहान लेता है ताकि साबिर रहो, आजमाइश में डालता है ताकि उसका शुक्र गुजार रहो, रुलाता है ताकि साफ दिल रहो, चुप भी करवाता है ताकि उस पर यकीन रखो। खुदा हम पर रहम करे, वरना हमारे हालात तो ये हैं कि हम अक्सर सजदे में भी खुदा को याद नहीं करते। दिल के अधूरे किस्से और नसीब के अधूरे हिस्से, जब अल्लाह कुन फरमाएगा तो सब खुद पूरे हो जाएंगे। मौत वो तीर है जिसके निशाने से कोई नहीं बच सकता। हो सकता है जिस चीज के लिए तुम रोते हो वो बस तुमसे एक दुआ दूर हो। हर किसी के लिए दुआ किया करो, क्या पता किसी की किस्मत तुम्हारी दुआ का इंतजार कर रही है। उनकी आखिरत कभी मायूसी से नहीं होगी जो अल्लाह पर भरोसा रखते हैं। मंजिल तो तेरी यही थी, बस जिंदगी गुजर गई आते आते, क्या मिला तुझे इस दुनिया से, अपनों ने ही दफना दिया तुझे जाते जाते। गुरूर किस चीज पर, दुनिया के सारे रास्ते कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। कितनी अजीब बात है ना, हम मौत से बचने की कोशिश करते हैं लेकिन जहन्नम से नहीं, हालांकि हम जहन्नम से बच सकते हैं लेकिन मौत से नहीं। हमारी औकात सिर्फ एक सफेद चादर है जिसे खुद ओढ़ने की ताकत भी ना होगी। मेरे होने का असर तुम पर मेरे ना होने के बाद दिखेगा। सुना है मौत एक पल की मोहलत नहीं देती, मैं अचानक से मर जाऊं तो मुझे माफ कर देना। समझदार इंसान वो है जो मौत से पहले मौत की तैयारी कर ले। कभी किसी चीज का गुरूर आने लगे तो एक चक्कर कब्रिस्तान का लगा लिया करो, वहां आपसे भी बेहतर लोग मिट्टी के नीचे दफन हैं।